नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल बेस्ट टेक टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ट्विटर को कैसे चलाया जाता है, ट्विटर को मैनेज कैसे किया जाता है, ट्विटर में साइनअप कैसे किया जाता है, ट्विटर में लॉगिन कैसे किया जाता है, पूरा डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ट्विटर को कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं, ट्विटर में आपको क्या करना होगा। अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं तो आपको मोबाइल में ट्विटर का ऐप्स इंस्टॉल करना होगा, या वेब के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन ऐप्स आती है जिसको आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और सबसे पहले आपको इसमें रजिस्टर करना होगा, रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। तो रजिस्टर करने के लिए क्या करना होगा आपको, मैं बता दूँ, साइनअप करना होगा। साइनअप के लिए यहाँ पर बता दूँ, सबसे पहले आप अपना नाम लिखिए, फ़ोन नंबर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दीजिए। और दोस्तों, फ़ोन नंबर के जगह पे आप ईमेल आईडी भी यूज कर सकते हो। जैसे आप ईमेल आईडी पे ओके कीजिए तो आपका ईमेल आईडी लगा सकते हो, या फ़ोन नंबर भी यूज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर डाल के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्तों, व्हाट्सएप फेसबुक जैसा आप अकाउंट बनाते हो उसी प्रकार ही ये भी होता है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है। जो भी आपका नाम है दोस्तों, आप लिख दीजिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मिथिलेश कुमार। इतना लिखने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर यूज कीजिए। फ़ोन नंबर यूज कीजिएगा, जो भी आपका फ़ोन नंबर है। यहाँ पर एक नंबर मैं दे दे रहा हूँ। ये नंबर देने के बाद आपको अपना फ़ोन नंबर दीजिएगा। फ़ोन नंबर देने के बाद यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका दे दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ, यहाँ पर से मैं एक डेट ऑफ बर्थ चुन लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने दे दिया, यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये कहेगा ट्रैक वेयर यू सी ट्विटर कंटेंट अक्रॉस द वेब, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों, क्रिएट योर अकाउंट, यहाँ स्टेप 3 और 5, यानी 5 स्टेप हैं। यहाँ हम लोग 3rd स्टेप में हैं, तो साइनअप करना है। साइनअप में जैसे जाइएगा, वी विल टेक्स्ट योर वेरिफिकेशन कोड, जो भी आपका फ़ोन नंबर है उसमें आपका चला जाएगा मैसेज। यहाँ से मतलब कि ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी जैसे आएगा तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर ओके मैं कर दूंगा तो वेरिफिकेशन कोड जो होगा वो आ जाएगा, और ये यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों, अब मैं आपको अपने अकाउंट में घुसने के बाद बताता हूँ, इस प्रकार आप अपना अकाउंट क्रिएट कीजिएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अब तो अब मैं अपने अकाउंट पे यहाँ पर एंटर कर जाता हूँ और आपको ट्विटर चलाने सिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों, जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। मैं अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल लेता हूँ। पासवर्ड आपको अलग से बनाना है ट्विटर के लिए। जब आप लॉगिन हो जाओगे तो आपको यहाँ पर आपको पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, पासवर्ड आप बना लीजिएगा अपना और लॉगिन कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं लॉगिन हो जा रहा हूँ अपने अकाउंट पे, मैं अब लॉगिन हो चुका हूँ दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो, ये जो ट्विटर होता है दोस्तों, स्पेशली बड़े बड़े लोग यूज़ करते हैं और आजकल सभी को यूज़ कर रहे हैं। इसमें दोस्तों, कोई भी जो न्यूज़ होती है वो बहुत जल्द यहाँ पर अपडेट होती है, आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है दोस्तों एट ए टाइम। देखिए, लेफ्ट साइड में आपको होम, एक्सप्लोर, नोटिफिकेशन, मैसेज, बुकमार्क, लिस्ट, प्रोफाइल, मोर, ये सब ऑप्शन आएगा। यहाँ ट्वीट का ऑप्शन है, यहाँ से आप ट्वीट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना प्रोफाइल देखिए, ये प्रोफाइल, आप प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर से दोस्तों, आप एडिट ऑप्शन पे जाके आप अपना फ़ोटो चेंज कर सकते हो, अपना जो डिटेल है वो सब यहाँ पर लिख सकते हो, लोकेशन लिख सकते हो, सब कुछ करके सेव कर सकते हो, जिस प्रकार आप फेसबुक में करते हो या इंस्टाग्राम में करते हो, सब कुछ उसी प्रकार यहाँ पर करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या आपको मिलेगा। यहाँ पर आप दोस्तों को फॉलो कर सकते हो, या आपके दोस्त आपको यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, और आप किसी को सर्च करना चाहोगे तो यहाँ पर से आप किसी को भी सर्च कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ एम एस धोनी को सर्च करता हूँ, एम एस धोनी को यहाँ पर सर्च करता हूँ, तो एम एस धोनी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सब आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो, देखिए सौरव, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, देखिए फॉलो, ये सब को आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, आप राइट साइड में देखिएगा व्हाट्स हैपनिंग, यहाँ पर लिखा जो अभी हो रहा है वो सब, जो चीज़ें ट्रेंडिंग पे है वो यहाँ राइट साइड में आपको शो करेंगी। थोड़ा सा नीचे जाइएगा, शो मोर कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट ट्रेंडिंग जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाई देंगे। देखिए दोस्तों, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है एंटी स्टूडेंट नरेंद्र मोदी, उसके बाद
हार्दिक पांड्या, उसके बाद नीचे देखिए अनुष्का शर्मा एंड विराट कोहली आर एक्सपेक्टिंग ए बेबी। थोड़ा सा साइड में जाइएगा तो ट्रेंडिंग आपको दिखाई देगा, सेम ऑन आज तक ये ट्रेंडिंग कर रहा है दोस्तों, सेम ऑन आज तक ये अभी ट्रेंडिंग कर रहा है, बॉयकॉट आज तक, यहाँ पर ये चीज़ अभी ट्रेंड कर रहा है, मतलब जो भी ट्रेंड करता है दोस्तों। और मैं ट्रेंडिंग का एक चीज़ बता दूं, कोई भी चीज़ कब ट्रेंड करता है, जब किसी भी हैशटैग को यूज करके 1000 बार से ज़्यादा ट्वीट किया जाता है तो दोस्तों वो चीज़ें ट्रेंडिंग पे आने लगती है। देखिए यहाँ पर 30 ट्रेंडिंग लिस्ट है वो आपको नज़र आएगा, यहाँ नीचे तक मैं जाता हूँ तो नीचे आपको नज़र आ जाएगा टॉप 30 लिस्ट। देखिए लास्ट में है अलाव कुंता, कुछ भी है यहाँ पर लिखा हुआ ट्रेंडिंग विथ त्रिवक्रम अल्लू अर्जुन, देखिए 53.4K ट्वीट हो चुका है, तो ये सबसे लास्ट में है और ये सब अभी ट्रेंड कर रहा है। तो 1000 बार से ज़्यादा आप कोई भी चीज़ को ट्वीट करोगे, कोई भी चीज़ कोई भी हैशटैग को लेकर ट्वीट किया जाता है तो वो ट्रेंड करने लगता है। जैसे हैशटैग किसे कहते हैं दोस्तों, देखिए हैशटैग सेम ऑन आज तक ये जो लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए दिखा दूँ, मैं ट्वीट करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिखूँगा यू आर राइट, जैसे मैं यहाँ पर ट्वीट कर रहा हूँ यू आर राइट लिखता हूँ, फिर नीचे यहाँ पर आपको हैशटैग लिखना है, जैसे ये हैशटैग है और यहाँ पर जो मैंने दिखाया था आपको सेम ऑन आज तक, देखिए ये आ गया, तो आपको यहाँ पर ट्वीट करना है, तो आप जैसे ट्वीट कर दीजिएगा यू आर राइट, ऐसे करके आप कुछ भी ट्वीट कर सकते हैं, कोई भी हैशटैग पे ट्वीट कर दीजिए तो ये चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। और यहाँ पर जब आप ओके करेंगे और आपका जो मैसेज देखना है कहाँ पर ये चला गया, तो आपको यहाँ लेटेस्ट में जाइए, लेटेस्ट में जाने के बाद आपको नज़र आएगा यहाँ पर, देखिए जो भी आपने ट्वीट किया है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन ये इसलिए आपको नहीं भी दिख सकता है क्योंकि दोस्तों ज़्यादा लोग ट्वीट कर रहे हैं तो आपका जो मैसेज कहाँ गया ये पता नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार ट्वीट किया जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसे आप अपना हैशटैग खुद से बना सकते हो, आप किसी भी चीज़ को हैशटैग बना सकते हो, आप अपने से कोई भी ट्वीट करके हैशटैग बनाइए और उस हैशटैग को अधिक से अधिक लोग हैशटैग को लिख के ट्वीट करते हैं, दोबारा ट्वीट करते हैं, रीट्वीट करते हैं, तो वो ट्रेंडिंग पे आ जाएगी। दोस्तों तो मैं आपको ट्वीट करने सिखाता हूँ, आप कैसे ट्वीट कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ को ट्वीट कैसे कर सकते हो और अपना हैशटैग कैसे बना सकते हो, और आपके द्वारा की गई ट्वीट को अधिक लोग अगर हैशटैग लिख के ट्वीट करते हैं, रीट्वीट करते हैं, तो वो ट्रेंडिंग पे कैसे आएगी वो बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ट्वीट ऑप्शन पे आइएगा, आप ट्वीट कीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट्स हैपनिंग, यहाँ पर आपको मन में जो है वो लिखना है, जैसे लिखना है आपका जो मन में है, आपको कोई ऐसा टैग लाइन बनाना है, तो जैसे आपको यहाँ पर मैं फ़िलहाल बता दूँ झारखंड में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसको लेकर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे झारखंड में JTET का एग्ज़ाम अभी बहुत दिनों से नहीं हुआ है, तो आपको हैशटैग लगाना है और JTET लिखना है, या कुछ भी आप इससे रिलेटेड, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए क्योंकि लोगों को खोजने में परेशानी ना हो, जितना छोटा रहेगा उतना अच्छा होगा। JTET कब होगा, यहाँ से कोई आप इमेज ले सकते हो या गिफ्ट फोटोज ले सकते हो, यहाँ पे इमोजी आप ऐड कर सकते हो, और यहाँ पर जो सबसे लास्ट में है इसमें आप अपना इसका जो शेड्यूल सेट कर सकते हो कि इतना से इतना तक दिखना चाहिए, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन जो करना चाहता है वो कर सकता है। तो यहाँ पर से सिंपल आपको ट्वीट कर देना है, तो यहाँ पर मैं ट्वीट कर दे रहा हूँ, तो ये ट्वीट हो चुका है, अब मैंने इसको ट्वीट कर दिया है। अब दूसरा कोई भी व्यक्ति जो JTET यहाँ पर सर्च करेगा या कुछ भी इसके बारे लिखना चाहेगा, जैसे कुछ भी वो लिखना चाहेगा इसके बारे, तो वो लिख लेगा पहले यहाँ पर जिस प्रकार मैंने लिखा था दोस्तों, यहाँ पर ट्वीट ऑप्शन पे गया था और यहाँ पर यू आर राइट मैंने लिखा था, और फिर नीचे जाके जो हैशटैग जो अभी ट्रेंडिंग कर रहा है दोस्तों आज तक पे, क्या ट्रेंडिंग कर रहा है दोस्तों, सेम ऑन आज तक जो अभी ट्रेंड कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर आप जाइए और ये आ जाएगा इससे रिलेटेड। जैसे मान लीजिए सेम ऑन आज तक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सारी नज़र आएंगी, उसी प्रकार आप यहाँ पर जो सर्च करोगे वो आ जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पर ट्वीट कर दीजिए तो ये इजिली ट्वीट हो जाएगा और ये आज तक
सेम ऑन आज तक पे ट्वीट हो गया है। अब यहाँ पर आप अपना ट्वीट देख सकते हो, इसमें बहुत लोग ट्वीट कर रहे हैं, इसलिए आपको अपना ट्वीट नज़र नहीं भी आ सकता है। आप लेटेस्ट पे जाइए तो देखते हैं नज़र आता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए बहुत फटाफट बहुत लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा नज़र नहीं आया, पता नहीं इतने लोग कर रहे हैं तो आपका नज़र नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये आपका यहाँ ट्वीट हो गया है। पर टॉप में वो सब नज़र आएंगे जो कि टॉप ट्वीट्स हैं, उसके बाद लेटेस्ट में जो नई नई न्यूज़ जो नई ट्वीट जो आई हैं वो लोग दिखाए, वो सब यहाँ आपको दिखाई देंगे। फिर इससे रिलेटेड जितने पीपल्स हैं वो यहाँ आपको नज़र आएंगे, फोटोज नज़र आएंगे इससे रिलेटेड, और इससे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो आपको नज़र आएंगी यहाँ पर। देखिए इससे रिलेटेड जो भी वीडियो हैं वो सब नज़र आएंगे, फोटो पीपल्स लेटेस्ट ये सब आपको, आशा करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं है दोस्तों, ट्विटर में बस इतना ही सीखने का है, ट्वीट कैसे किया जाता है, दूसरे के ट्वीट कैसे पढ़ें। आप यहाँ पर से किसी को भी फॉलो कर सकते हो, वो जब भी ट्वीट करेगा आपको नज़र आएगा। जैसे यहाँ पर आप निखिल युवा बिहारी चिराग पासवान ये सबको आप फॉलो करोगे तो वे लोग जो जो करेंगे आपको यहाँ पर नज़र आने लगेगा। जैसे मैं अपने होम पे जाता हूँ, यहाँ मैं नरेंद्र मोदी जी को फॉलो करता हूँ, तो वो जो भी वहाँ पर, यहाँ पर मैं आज तक को फॉलो करता हूँ, साथ ही साथ यहाँ पर मैं जिसको जिसको भी फॉलो करता हूँ वो सबका यहाँ पर न्यूज़ नज़र आएगा। जैसे देखिए अनुष्का शर्मा का यहाँ पर अभी क्या हो रहा है ये वो भी नज़र आएगा। अनुष्का के घर में जल्द एक मेहमान आने वाला है। फिर दोस्तों आगे देखिए, मैंने पीयूष गोयल को यहाँ पर मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो वो जो भी अपना अपडेट कर रहे हैं वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। साथ ही साथ मैं दोस्तों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी फॉलो करता हूँ, तो वो जो भी चीज़ें ट्वीट करते हैं वो सब नज़र आता है। तो उसी प्रकार आप यहाँ ट्विटर से बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, बहुत सारे न्यूज़ यहाँ पर से आपको मिल जाएंगे, और बहुत ही अच्छा एक जरिया है किसी भी चीज़ को दूसरे तक फैलाने का, जो ट्रेंड करवाने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके द्वारा आप अपने ट्वीट कर सकते हो, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हो। आपको सिंपल सा ट्वीट करना है, उस पर 1000 से ज़्यादा ट्वीट आएंगे तो वो ट्रेंडिंग लिस्ट पर आ जाएगी, और जितने अधिक होंगे उतना ज़्यादा ट्रेंड करेगा। तो यही था दोस्तों ट्विटर, और ऐसा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गई होंगी कि ट्विटर को कैसे यूज़ किया जाता है, हैंडल कैसे किया जाता है। ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है दोस्तों न्यूज़ का, यहाँ से आपको लेटेस्ट न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। बड़े बड़े नेता लोग भी इसको यूज़ करते हैं, तो आशा करते हैं कि आपको ट्विटर चलाना अब आ जाएगा, और ये वीडियो जो मैंने अपलोड की है ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको ट्विटर के बारे सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।